जय गुरु बंदे पुरुषोत्तम। आज मैं ठाकुर जी की कुछ दिव्य घटनाओं की चर्चा करूंगा। एक घटना इस प्रकार की है, दिव्य दृष्टि। एक व्यक्ति को कम उम्र में ही गले में मछली का कांटा गड़ जाने के कारण घाव हो गया था। यह घाव कभी कभी लगता था कि यह ठीक हो गया है। धीरे धीरे इस घाव के कारण उक्त सज्जन के गले में इन्फेक्शन हो गया। गला फूल जाने के कारण बहुत कष्ट होने लगा। बहुत डॉक्टर दिखाने के बावजूद ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन श्री ठाकुर जी से उसने निवेदन किया। श्री ठाकुर उसको सत्संग के डॉक्टर को दिखलाने बोले। वह डॉक्टर तो दिखलाता था, परंतु उनके द्वारा बतलाए हुए जांच और दवाई नहीं खाता था। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद गला बहुत ज्यादा फूल जाने के कारण मुंह बंद हो गया। खाना पीना और बातचीत भी लगभग बंद हो गया। वह श्री ठाकुर जी के पास आकर बहुत रोने लगा। श्री ठाकुर ने डॉक्टर से उसकी पूरी जानकारी ली। डॉक्टर ने कहा कि यह सज्जन तो कोई बात ही नहीं मानता है। तब श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे एक कागज में चित्र बनाकर दिखाओ कि गले के किस स्थान पर इन्फेक्शन होने के कारण ये समस्या हो रही है। डॉक्टर द्वारा चित्र बनाकर दिखलाने के बाद श्री ठाकुर जी को पूरी बात समझ में आई, परंतु श्री ठाकुर ने उसके इलाज के लिए कोई दवाई वगैरह की चर्चा नहीं की। वह सज्जन श्री ठाकुर जी के पास नित्य आकर बैठते थे। इस तरह से कई दिन व्यतीत होने के बाद उक्त सज्जन के गले की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई। दूसरी घटना है ठाकुर जी का स्वर। सन 1953 साल की बात है। प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती सह प्रतिरित्तिक शीतकालीन ऋतिक अधिवेशन में जा रहे थे। बहुत ठंड थी। नवीन और महादेव उनके माध्यम से दीक्षित हैं, वे लोग भी साथ थे। दिल्ली जनता एक्सप्रेस ट्रेन था। दोनों नीचे के बर्थ पर सोए थे। प्रफुल्लदा ऊपर वाला बर्थ पर सोए हुए थे। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। ट्रेन जसीडी से सुबह 4:25 बजे पहुंची। उस वक्त सभी सो रहे थे। कुछ ही देर में ट्रेन खुलने वाली थी। ठीक इसी वक्त श्री ठाकुर का स्वर सुनाई दिया, अरे उतरना नहीं है? प्रफुल्लदा ने सर नीचे एक यात्री से पूछा, कौन स्टेशन है? पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त सभी सो रहे थे। वे पुनः तकिया पर सर रखते ही बाहर से आवाज आई, जसीडी जसीडी। ये तो ठाकुर जी का स्वर लग रहा था। यह शब्द कान में गूंजते ही प्रफुल्लदा, नवीन और महादेव द्रुत गति उठकर सामान वगैरह लेकर जल्दी से स्टेशन पर उतर गए। बोगी से उतरते ही ट्रेन खुल गई। इतनी ठंड में भी प्रफुल्लदा पसीना से तरबतर हो गए थे। नहीं उतरते तो वे लोग झाझा या पटना पहुंच जाते। जब आश्रम पहुंचे तब तक सुबह नहीं हुई थी। वे लोग बिछावन वगैरह कुमिल्ला माँ के बरामदे पर रखकर हाथ मुंह धोकर इष्टवृत्ति करके ठाकुर पूजा आदि करके प्रफुल्लदा नवीन और महादेव के साथ ठाकुर दर्शन के लिए निकल गए। श्री ठाकुर उस वक्त निवृत्त निकेतन के दक्षिण बरामदे पर अकेले एक चौकी पर बैठे थे। उनके शरीर पर एक पतला चादर था। वहां पर और कोई नहीं थे। श्री ठाकुर को प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, आ गए जी ठाकुर। बात समाप्त होते न होते ही श्री ठाकुर ने कहा, अरे पागल, बेहोश होकर रास्ते में क्यों चलते हो? होश में रहकर रास्ते में चलोगे? खबरदार, इस तरह से अब और नहीं चलोगे। मेरा सर उस समय तक जमीन पर ही स्पर्श किया हुआ था। उसी अवस्था में मैंने कहा, जी ठाकुर, मैं फिर और कभी इस तरह से नहीं चलूंगा। जय गुरु।